फाइनली दोस्तों आज आपके सामने है 2023 की लेटेस्ट मॉडल रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का सबसे बेहतरीन गन मेटल ग्रे कलर जो कि E20 OBD2 वाला लेटेस्ट मॉडल है। इस बाइक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, प्राइस क्या है और साथ में इसकी एक्सेसरीज की प्राइस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एक गन मेटल ग्रे कलर है जिसमें आपको एलॉय मिलते हैं ब्लैक कलर के। दूसरा ये है इसका डार्क स्टेल्थ ब्लैक कलर, इसमें भी आपको ब्लैक कलर के एलॉय मिल जाते हैं। अगर आप इसके पेट्रोल टैंक के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर में 3D में लोगो मिलता है रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ। बाकी साइड बाय साइड यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाते हैं, ये जो टैंक पैड है वो रबड़ के हैं। और यहाँ पर आपको क्लासिक 350 का ड्यूअल टोन कलर में स्टिकर और ये सभी जो पैनल आप देख रहे हैं ये मेटल बॉडी के दिए गए हैं। 13 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको मिलता है और ये जो एक नया कलर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा गन मेटल ग्रे कलर है जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर E20 लिखा हुआ है, मतलब ये जो बाइक है वो 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल से चलने वाली है। सबसे पहले फ्यूल टैंक के कैप को यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ तो जाहिर सी बात है इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। अगर आप इसके फ्यूल टैंक के कैप को बंद करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 2 उंगलियाँ प्रेस करनी है, आपको चाबी को मोड़ना नहीं है, आसानी से इसका जो कैप है वो बंद हो जाता है। इसमें आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ यहां पर आपको वेव की मिलती है जो कि सुरक्षा के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इस बाइक की जो हैंडल बार है वो आपको मैट ब्लैक कलर में मिलती है, यहां पर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। अगर आप चाहें तो यहां पर GPS नेविगेशन लगवा सकते हैं और स्पीडोमीटर एनालॉग में दिया है जिसके नीचे में लो फ्यूल की अलर्ट, यहां पर आपको हेडलाइट, ABS, लो बैटरी और ऊपर में टर्न इंडिकेटर और गियर न्यूट्रल इंडिकेटर की ग्रीन कलर में लाइट मिलती है। बाकी छोटी सी डिस्प्ले नीचे मिलती है, इसमें आपको डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, मीटर को इस वाली बटन से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, बाकी इसमें आपको इको इंडिकेटर मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर इसमें आपको नहीं मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर का फीचर्स भी दिया गया कि बाइक की सर्विस कब करानी है। बाइक के जो साइड मिरर हैं वो आपको ब्लैक कलर के ही मिलते हैं, यहाँ पर आपको मोड का बटन, पासिंग, अपर डिपर और इंडिकेटर और हॉर्न, और बाकी जो हॉर्न है वो काफ़ी लाउड है। यहाँ पर जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट है और इसी के साथ यहाँ पर इंजन किल, सेल्फ स्टार्ट, नीचे में हैजार्ड का बटन दिया है। सबसे पहले साउंड को सुना देता हूँ। ये है इंजन साउंड, तो पुराने वाले मॉडल की अपेक्षा इसका साउंड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो भाई सीट यहां पर आपको काफी अच्छी बेहतरीन कुशन के साथ मिलती हैं। पिलियन वाली सीट हो या फिर राइडर वाली सीट हो, दोनों की जो कुशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है। पीछे में आपको मेटल बॉडी का ग्रैब हैंडल मिलता है, रॉयल एनफील्ड का पीछे में स्टिकर है। बाकी यहाँ पर जो टेललाइट आपको मिलती है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का पोर्शन है, थोड़ा सा क्रोम है और गोल यहाँ पर आपको LED वाली टेललाइट मिलती है। हेलोजन वाले 10-10 वाट के इंडिकेटर मिलते हैं। जैसा कि ये लेटेस्ट मॉडल है तो यहाँ से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और टाइम को भी देख सकते हैं। पीछे वाला जो टायर है वो 120 mm चौड़ा मिल जाता है। प्रोफाइल की बात करें तो 120/80/18 की यहाँ पर आपको प्रोफाइल मिलती है। पूरी तरह से ये जो टायर है वो ट्यूबलेस है और एलॉय व्हील के ऊपर में ब्लू कलर के स्टिकर मिलते हैं। 270 mm की डिस्क मिल जाती है, पीछे भी ABS आपको मिलता है और 18 इंच का ब्लैक कलर का इसमें पीछे में एलॉय दिया है। और सस्पेंशन यहाँ पर आपको 6-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड सस्पेंशन का सेटअप मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स मिलते हैं और साइलेंसर की अगर हम बात करें तो मैट ब्लैक कलर में इसका साइलेंसर दिया गया है, इंक्लूडिंग इसका जो मफलर गार्ड है ये भी आपको पूरा का पूरा मैट ब्लैक कलर में मिलता है। बीच वाला जो हिस्सा है ये भी आपको मैट ब्लैक कलर में मिलता है। ये है इसका ब्रेक पैड और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स मिलते हैं। रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है इंजन के ऊपर में, किक इसमें आपको नहीं मिलती है, सेल्फ के साथ ही आती है। पूरा का पूरा इंजन मैट ब्लैक कलर के साथ है और ब्लैक कलर में ये है इसका एयरफ्लाई इंजन गार्ड। इसकी कीमत है 3,950 रुपये और सबसे अच्छी बात यह है इसमें आपको ट्विन क्रेडल फ्रेम मिल जाता है और 170 mm की हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सिंगल यहां पर आपको हॉर्न मिलता है। इंजन और पावर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 349 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड वाला सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इलेक्ट्रो FI इंजन दिया है जो 20.2 BHP की पावर देता है 6,100 RPM पर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है 4,000 RPM पर। माइलेज की बात करें तो लोकल में 28 का और हाईवे पर 35 का माइलेज दे देती है।
तो चलिए मैं आपको एक्सेसरीज के प्राइस भी बता देता हूँ। यह है सिल्वर कलर का शंप गार्ड इंजन की प्रोटेक्शन के लिए, और सिल्वर कलर में इसकी कीमत है 3100 रुपये और ब्लैक कलर में इसकी कीमत है 3300 रुपये, मतलब कि 3300 रुपये। और ये है टूरिंग सीट ब्लैक कलर की, 4830 रुपये की है। और ये है हैंडल बार जो कि बुलेट 350 स्टैंडर्ड में आप लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बुलेट 350 स्टैंडर्ड में लगाना चाहते हैं तो ये भी आप क्रैश गार्ड लगवा सकते हैं सिल्वर कलर का। ऊपर में एयरफ्लाई ईवो वाला गार्ड है, इसकी कीमत है 4250 रुपये के आसपास। और ये है क्लासिक 350cc का क्रोम वाला वाइजर हेड के साथ, और इसकी कीमत भी अप्रॉक्स 1200 रुपये के आसपास है। ये है हेल्सियन सीरीज क्लासिक 350 का क्रोम वाइजर, ये भी 1200 के आसपास का है। सारी जेन्युइन एक्सेसरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हैंडल बार आप देख रहे हैं ये सिर्फ बुलेट 350 में ही आप लगा सकते हैं। क्लासिक में अगर आप चाहें तो लगवा भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। अगर आप अपनी क्लासिक 350 में कुछ इस तरह के बैकरेस्ट लगवाना चाहते हैं तो 1050 रुपये कीमत है। हालांकि ये जो बैकरेस्ट हैं वो मैंने आपको मिट्योर 350 के दिखाए हैं। ये है एलो व्हील और इसकी कीमत है दो पीस की 14700 रुपये। और ये है इसका क्रैश गार्ड ब्लैक कलर का, ये भी 3500 रुपये के आसपास मैंने आपको बता दिया है। इसकी हेडलाइट के ऊपर में दो छोटे छोटे हेलोजन पायलट लैंप मिलते हैं, बाकी कैप वाला यहाँ पर आपको क्रोम का वाइजर मिलता है। सबसे पहले इंजन को स्टार्ट कर देता हूँ। अगर हम इसकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट के अंदर मैं 60x55W का यहाँ पर हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी विजिबिलिटी रात में आपको बुलेट 350 से काफ़ी बेहतर मिलती है। दोनों तरफ आपको हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं 10-10 वाट के साथ, जिसमें हैजर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले इंजन को मैं बंद कर देता हूँ। फ्रंट के सस्पेंशन की बात करें तो 41mm डायमीटर के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं, जिसमें 130mm डायमीटर का ट्रेवल आपको मिलता है। आगे वाला जो मडगार्ड है वो काफ़ी चौड़ा है बुलेट 350 के मुकाबले। इसी के साथ ही साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको 300mm की डिस्क मिल जाती है ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ, वाइब्रे के कैलिपर मिलते हैं। आगे में 190/19 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिलता है और 19 इंच का फ्रंट में एलो दिया है, जबकि रियर में आपको मिलता है 18 इंच का ब्लैक कलर का एलो व्हील। चलते हैं बाइक के साइड में तो बाइक का वजन है 195 kg, जो कि स्टैंडर्ड से लगभग 10 kg ज़्यादा है। और इस हैंडल के द्वारा आप बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिलता है ओपन चैन सेट कवर जो कि प्लास्टिक बॉडी का है। एडजस्टेबल यहाँ पर आपको फुटपैक्स मिलते हैं, क्लासिक 350 की ब्रांडिंग यहाँ भी आपको स्टीकर के रूप में मिलती है। गियर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है, बाइक में आपको 5 गियर मिल जाते हैं, और साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर का फीचर्स मिलता है। अभी मैंने साइड स्टैंड को यहाँ से डाउन कर दिया है। सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ। हालांकि बाइक तो स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रल में, जैसे ही मैं क्लच को दबाकर गियर को डालता हूँ इंजन इसका तुरंत बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है सेफ्टी फीचर्स के लिए। तो प्राइस की बात करें तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350cc गन मेटल ग्रे कलर OBD2 E20 वाले इस वेरिएंट की एक्सोरूम कीमत है 2,17,588 रुपये, और इस बाइक की ऑन रोड कीमत है 2,51,334 रुपये, जो मैंने आपको बिना एक्सेसरीज के बताई है। और ये है क्लासिक 350cc का डार्क स्टेल्थ ब्लैक कलर, और इसकी एक्सोरूम कीमत है 2,17,588 रुपये। इसकी भी ऑन रोड कीमत सेम है 2,51,334 रुपये, क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी की बाइकें। ये है टॉप मॉडल वाली क्लासिक 350cc क्रोम रेड टॉप मॉडल, और इसकी एक्सोरूम कीमत है 2,21,297 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,55,447 रुपये। इन सभी बाइक की कीमत मैंने आपको बिना एक्सेसरीज के बताई है। इसी के बगल में जस्ट खड़ी है बुलेट 350cc का इलेक्ट्रा वाला सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट, और इसकी ऑन रोड कीमत है आज की डेट में 1,94,505 रुपये। स्टैंडर्ड 350 की ऑन रोड कीमत है 1,84,896 रुपये। ये है हेल्सियन ग्रीन सिंगल चैनल ABS, इसकी ऑन रोड कीमत है 2,23,946 रुपये। ये सभी बाइक की कीमत मैंने आपको बताई है कोलकाता बाइक जॉन रॉयल एनफील्ड शोरूम चिनार पार्क कोलकाता की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।